बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल हसन व्लॉग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। नंबर वन, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन लविंग, सो हाइड्रोफाइट्स आर वाटर लविंग प्लांट्स। दीज आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर। ये ऐसे पौधे हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में डूबे रहते हैं। एज दे लिव इन फ्रेश वाटर, सो दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। स्टूडेंट देखें, अभी हमने स्टडी किया है कि ये वाटर लविंग प्लांट हैं, पानी में रहते हैं, तो इन्हें पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इन प्लांट्स के सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है। इस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए हाइड्रोफाइट्स डिफरेंट मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अडाप्टेशंस हैं या मैकेनिज्म्स हैं जिनको ये अडॉप्ट करके एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं। सबसे पहले, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, यानी कि इनके पत्ते चौड़े होते हैं। अब हमें पता है जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। इसी तरह हाइड्रोफाइट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। इनकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है एपिडर्मस, उनमें बहुत सारे स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, सो देयर ट्रांसपिरेशन विल बी हाई। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें वाटर लिली जैसे प्लांट्स इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरमेंट्स, खुश्क माहौल में रहने वाले पौधे हैं ये। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्राम देयर इंटरनल टिश्यूज। अंदरूनी टिश्यू से पानी के ज़िया को रोकने के लिए इनकी एपिडर्मस पर एक मोटी और मॉब की तरह की क्यूटिकल मौजूद होती है, ताकि ये वाटर को सेव करें, क्योंकि इन्हें पहले ही वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है। इसलिए वाटर लॉस से बचने के लिए इनकी एपिडर्मस पर एक वैक्सी और मोटी क्यूटिकल मौजूद होती है। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा की तादाद भी कम होती है। क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। इनकी इन पौधों की जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से पानी जज़ब कर सकें। स्टूडेंट्स, सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर। कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे हैं जिनकी जड़ों और तनों में मखसूस पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी। ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इनमें पानी की बड़ी मकदार जखीरा हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जड़ें और तने गीले और रस भरे नज़र आते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो वाटर को स्टोर करते हैं उन्हें हम सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। और इनकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ज़ीरोफाइट्स में कैक्टस जैसे पौधे इंक्लूड हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर्स एंड आर एडॉप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट्स। हेलोफाइट्स समुद्री पानियों में रहते हैं और ज़्यादा नमकियात वाले माहौल के लिए अडॉप्टेशंस रखते हैं। साल्ट्स इंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। समुंदर के पानी में नमकियात के ज़्यादा होने की वजह से ऐसे पौधों के जिस्म में नमकियात दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ इनके सेल्स का पानी समुंदर के हाइपरटोनिक पानी में जाने का रुझान भी रखता है। अब हम देखते हैं कि हेलोफाइट्स के अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस या मैकेनिज्म पाए जाते हैं। व्हेन साल्ट्स इंटर इनटू सेल्स, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूल्स।
जब नमकियात इनके सेल्स में दाखिल होते हैं तो ये पौधे नमकियात की बड़ी मकदारों को अपने वैक्यूल्स में ले जाने और वहीं रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। नमकियात को वैक्यूल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इस वजह से वैक्यूल्स का अंदरूनी जो मवाद होता है जिसे हम सैप कहते हैं वो समुद्री पानी से भी ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाता है। इस तरह पानी सेल से बाहर नहीं निकलता। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनकी एग्जाम्पल्स में सी ग्रासेस, समुद्री घास के कई पौधे शामिल हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, जिसमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं। हाइड्रोफाइट जो वाटर लिविंग प्लांट्स हैं, वाटर के अंदर रहती हैं। ज़ीरोफाइट्स जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। और लास्ट में हमने स्टडी किया है हेलोफाइट्स में, जो समुद्री पानी में रहते हैं, साल्टी एनवायरनमेंट्स को लाइक करते हैं। साथ हमने इनके एग्जाम्पल्स को भी देखा है और इनके अंदर जो अडाप्टेशंस पाई जाती हैं, मैकेनिज्म्स पाई जाती हैं, उनको भी डिटेल में स्टडी किया है। जज़ाकअल्लाह खैर।